सलमान खान शो बिग बॉस सीजन 13 के है खिलाफ कहा जा रहा था ये, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। लेकिन सलमान खान ने शो बिग बॉस सीजन 13 के फिनाले के वक्त जो भी बातें की थी उसके बारे में अगर चर्चा हो रही है तो हम भूल नहीं सकते हैं कि शो बिग बॉस सीजन 13 के फिनाले में सलमान ने कहा था कि सीजन 14 के लिए आपको करना पड़ेगा सीजन 14 के लिए 7 महीने का इंतजार, 7 महीने बाद फिर मिलेंगे इसी मंच पर कुछ नए चेहरों के साथ, नए एंटरटेनमेंट के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, नए अंदाज में। तो सलमान खान ने इशारा तो कर दिया था सीजन 14 में फिर बिग बॉस सीजन 13 के बाद वो लौटेंगे, लेकिन सीजन 14 में वो बतौर होस्ट लौटेंगे या नहीं इस पर उन्होंने नहीं जताई थी इच्छा। यानी कि शो को लेकर जो खबरें थी कि शो और मेकर्स के बीच साथ सलमान खान की हो गई है झड़प विनर सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर, वो नहीं चाहते थे सिद्धार्थ विनर बने, ऐसी थी खबरें। ऐसे में सलमान खान को लेकर एक अपडेट आई है कि सलमान अपने शो से हटकर अपनी फिल्मी लाइफस्टाइल को लेकर काफी बिजी है। ऐसे में सलमान खान के लिए एक और ऐसी बड़ी खबर है कि सलमान शो के खिलाफ हुए जो ये कहा जा रहा था, इसकी पुष्टि भले नहीं हुई लेकिन सीजन 14 में सलमान शो के होस्ट नहीं बनेंगे ऐसा कहा जा रहा है, और इसे लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ज्यादा ट्रॉल भी किया गया था। अगर आपको याद हो तो सलमान खान शो बिग बॉस सीजन 13 के बाद 14 को होस्ट ना करें, लोगों ने यही गुहार लगाई थी, और तो और शो को लेकर उन्होंने धमकियां भी दी थी। ऐसे में शो के खिलाफ सलमान हो ना हो, सलमान खान के खिलाफ वो सभी लोग हैं जिनके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति।